नमस्ते, हेलो, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम कर रहे हैं रूम से चेकआउट और अभी थे हम रात को चंबा में। तो आज का जो हमारा प्लान है, हम जा रहे हैं सुरकंडा देवी मंदिर। तो मैं आपको यहाँ से एक नज़ारा दिखाता हूँ चंबा का, कितना गजब अर्ली मॉर्निंग का जो नज़ारा देखिए आप। तो दोस्तों, वी आर इन चंबा, देखिए आप कैसा लग रहा है यहाँ से पूरा चंबा। तो हम लगभग रात को 10:30 बजे करीब यहाँ पहुँचे। ऊपर भी पूरा देखिए और नीचे अपनी बाइक पार्क है वहाँ पर, अभी तो नहीं दिख पा रही बट बाइक अपनी यहाँ पे पार्क कर। अभी हम इस वाले रास्ते हम निकलेंगे सुरकंडा देवी के लिए और वो सामने वहाँ पर देखिए हिमालयन पीक भी दिख रहे हैं, पर थोड़ा विजिबिलिटी कम है उनकी इस टाइम पे। तो चाचा चले चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पीछे था वो होटल जहाँ पर हम रुके थे, जहाँ पर वो रेड वाले भैया बना रहे हैं इस टाइम पर चाय पानी, तो वहाँ पर हम रुके थे। और अब हम निकलेंगे इस रूट से, अब हम यहाँ से इस तरफ को जाएंगे जो कट दिख रहा है अंदर को, और हम निकलते हैं सीधा सुरकंडा देवी मंदिर के लिए। मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मंदिर में, थोड़ा बहुत रास्ते में आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे एक ब्रेक लिया है चाय के लिए और मौजूद जगह है, बड़ी मस्त जगह है एकदम। आप देखिए किस तरीके से फ्लैग्स लटक रहे हैं तिब्बतन वाले, जो कि अपनी बाइक पे भी हैं। और यहाँ पे भी हम चाय के लिए रुके क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है इस तरफ, और वहाँ सामने वाले पहाड़ों पर धनौल्टी में बर्फ़ पड़ी हुई है। ये दोनों की हालत सुन हो गई है, कैसा लग रहा है बाइक चला के सुन? थोड़ी बहुत बर्फ़ जैसे आप देख सकते हैं पड़ी हुई है। यहाँ का लुक बड़ा गजब आ रहा है और ये इनक्रेडिबल एडवेंचर जो करके आप कहते हैं इनका, ये लग रहा है कुछ मतलब एडवेंचर होते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़े लोग जो सब कर सकते हैं। इस टाइम ये बंद पड़ा हुआ है, अगर ये ओपन होता तो हम जरूर कराते साइकिलिंग। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें बहुत कुछ है करने के लिए, जंगल सफारी है और साइकिलिंग है वो भी स्काई में, और कॉटेज आप आपको कैंप लगा सकते हैं इनके साथ, और यहाँ पे स्काई वॉकिंग है विद कपल। तो बहुत कुछ यहाँ पे एडवेंचरस है करने के लिए, पर इस टाइम जो है सुध पड़ा हुआ है, पर कोई नहीं, आप ऐसे ही देखिए। इस टाइम हो सकता है जब हम वापस आए इस रूट से शायद तो यहाँ से कुछ देखने को मिल जाए। साइकिलिंग देखिए आप यहाँ पे, नदी नीचे नज़ारे। तो दोस्तों, यहाँ पे चल रही है चाय इस टाइम, और पीछे दोनों भाइयों के निकले सिंगाड़े ठंड के मारे हैं। और अभी हम यहाँ पर इस टाइम चाय का आनंद लेते हुए, क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा है, हाथ जो है वो अकड़ गए हैं पूरी तरीके से। हाँ चलो चलो ले लीजिए कैमरा ऑन है मेरा आज। दोस्तों देखिए, इस गांव में कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देखिए। और यहाँ से जो नज़ारा है एकदम नेक्स्ट लेवल का आ रहा है। हम लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर हैं और सुरकंडा वाले पहाड़ों में आपको दिखाता हूँ कितनी बर्फ़ पड़ी है। वो सामने देखिए आप, शायद उसी चोटी पर जो है सुरकंडा देवी का मंदिर है, वहाँ देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। वो देखिए दोस्तों, इस पहाड़ में कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। और सामने पूरे हिमालयन पीक जो कितने क्लियर दिख रहे हैं, सॉरी आपको सामने हिमालयन पीक जो एकदम क्लियर दिखने लगे हैं यहाँ से। आप हम और ऊपर जाएंगे तो एकदम क्लियर दिखना चालू हो जाएंगे।
दोस्तों हमें सुरकंडा जहाँ से मंदिर का जो है प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ चलते हैं ऊपर की तरफ। जय हो। तो चलिए अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं और धूप भी एकदम खिल चुकी है। आप पीछे आपने देखा रास्ते में कितना बर्फ थी पीछे रास्ते में। तभी चलते हैं ऊपर की तरफ, मिलते हैं आपसे धीरे धीरे रास्ते में ऊपर की साइड। दोस्तों यहाँ से आप नज़ारा चेक किए कितना बढ़िया आ रहा है। और यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई भी है ऊपर जाने के लिए, इसलिए थोड़ी सांस वगैरह भी फूल रही है। तो मंदिर यहीं से दिख रहा है, वो ऊपर टॉप में थोड़ी दूर और है, तो ऊपर पूरी चढ़ाई है। मिलते हैं आपसे ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रॉली इस टाइम चल नहीं रही है, तो हम जा रहे हैं पैदल। और सर कैसा लग रहा है? अच्छा, आपको इसको चेकआउट करो दोस्तों, सुरकंडा देवी मंदिर पौराणिक। इसको पूरा आप फुर्सत में बैठ के पढ़िएगा। अभी हम फिलहाल जल्दी में और निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं ऊपर की साइड। मंदिर वो देखिए ऊपर सामने पे, थोड़ा सा ही बचा ऊपर जाने के लिए। चलते हैं फटाफट। और पूरा रास्ता इसी तरीके से बहुत इजी रास्ता है और सिंपल। चलते हैं फटाफट ऊपर, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में ऊपर। इतनी ज़्यादा बर्फ सामने उन खेतों में पड़ी हुई है और ये यहाँ की ट्रॉलियाँ हैं। अरे तो आगे निकल चुके हैं, मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ। बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, इसकी वजह से सांस जो है बहुत ज़्यादा फूल रही है। आप इसके नज़ारे के मजे लीजिए। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर गणपति बाबा की मूर्ति रखी है और यहाँ नीचे लिखा है निवेदन, कृपया सुरकंडा देवी के दर्शन से पहले रथ के दर्शन करें, रथ तुम्हारी यात्रा मंगलमय करेगा, यह अत्यंत जरूरी है। तो हमने तो दर्शन कर लिए, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। और हम जो है इस रास्ते से ना चाह के शॉर्टकट जा रहे हैं, जैसे देख सकते हैं आप शॉर्टकट थोड़ा सा शॉर्ट है और इसमें थोड़ा घूमना ज़्यादा पड़ रहा है इस रास्ते से, तो आपको ऊपर मिलते हैं डायरेक्ट। वो देखिए दोस्तों अब मंदिर जो थोड़ा सा ही रह गया है और रास्ते में बर्फ़ भी काफ़ी सारी पड़ी हुई है और ट्रॉली का रास्ता भी यहीं तक है, अभी तक ट्रॉली वाले बंद हैं। अब हम पैदल ही आ गए, थोड़ा सा और रह गया, चलते हैं फटाफट ऊपर। हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है ऊपर रास्ते में। मिलते हैं आपसे ऊपर। रास्ते की हालत देखिए दोस्तों, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ जमी है रास्ते में, बिल्कुल हार्ड हो चुकी है बर्फ़ जम जम के, लोगों ने ऊपर चल चल के हार्ड हो गया एकदम। ये देखिए यह ट्रॉली जहाँ पर ट्रॉली आकर रुकती है। तो ये है मंदिर का गेट और फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर, यहाँ पर भी बर्फ काफी जमी हुई है। ये बजी घंटी अच्छे से। जय हो। और ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों मंदिर कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और हमारे राजन भाई नारियल फोड़ते हुए और इधर कैलाश चाचा भी, पर दोनों से एक नारियल नहीं छिला जा रहा है छिल दिया है मतलब। या ये मतलब पावर है या। इस टाइम हम पूजा करके नीचे आ चुके हैं और हम फोड़ रहे हैं इस टाइम सिरफल, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने वाला पोर्शन स्किप कर दिया है और वीडियो नहीं बनाई अंदर। और इसके बाद मैं आपको कराऊंगा मंदिर पूरा विजिट बाहर से, कि किस तरीके से यहाँ से लुक, किस तरीके से व्यू आता है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं सुरकंडा मंदिर, जैसा कि आपने देखा। और पीछे देखिए आप, मंदिर पूरा दिख रहा होगा आपको। और यहाँ बर्फ देखिए कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है, चारों साइड बर्फ ही बर्फ। और यहाँ से हिमालयन पीक जो है वो क्लियर दिख रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको पूरा मंदिर विजिट करा दूँ, अंदर फोटो खींचना मना है, उसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। बट जो अभी दिख रहा है वो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से, जिस बाहर दिखाना पूरा अलाउड है। तो चलिए आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ। यह दोस्तों अपना मेन मंदिर जो कि माँ मैठाणा का है। और पहले मैं साइड बाई साइड दिखा देता हूँ।
ये अपना भैरव बाबा का मंदिर, और वहाँ साइड पर है अपना हनुमान जी का मंदिर, और ये वाला अपना शिव जी का मंदिर है। और ये देखिए यहाँ चारों तरफ कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, और ये अपना मेन मंदिर। इसकी खूबसूरती का तो मैं क्या ही कहूँ, एकदम नेक्स्ट लेवल की जो है इसकी खूबसूरती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए और क्या नेक्स्ट लेवल इस टाइम व्यू आ रहा है, इतना मौसम साफ हो रखा है और चारों तरफ इसके बर्फ ही बर्फ है। इसके मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट डालता हूँ इसके बाद। यह है मंदिर का बैक साइड का, इधर का लेफ्ट साइड का व्यू, और आप ये लकड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं जो कि हवा से हिल के बज रही हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है इसकी, ध्यान से सुनिए। और ये झंडे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं लहरते हुए, बेहद खूबसूरत लग रहे हैं इस टाइम पे। बाकी आपको मैं मंदिर का एक पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ, और आप यहाँ के चारों तरफ से नज़ारे ज़रूर देखिएगा एक बार। अब बर्फ़ तो यहाँ इतनी पड़ी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं, मतलब दिल खुश कर देने वाली जगह जिसे हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, अपने लफ्ज़ से, अपने लफ्ज़ों में कहूँ मैं तो। ये देखिए दोस्तों सामने हिमालय पीक्स, और नीचे यहाँ बर्फ़ की क्वांटिटी देखिए, मैं ऊपर खड़ा हूँ सीढ़ी पे और नीचे बर्फ़ देखिए कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है। और ये मंदिर का अंदर का व्यू है, और ये सामने भैरव बाबा का मंदिर, और ये मंदिर का साइड लुक इस तरफ से राइट हैंड साइड से। और ये मंदिर के आसपास की जगह, दोस्तों मंदिर में बर्फ और हवा जो है बहुत तेज चल रही है, मतलब बर्फ तो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और हवा जो है वो भी बहुत तेज़ चल रही है, और इस बर्फ़ में जब पैर हम चल रहे हैं तो एकदम पैर नीचे से जाम हो जा रहे हैं, एकदम जैसे खून रुक सा जा रहा है। और अब जो है हम यहाँ से थोड़ी देर में चले जाएंगे, तो फिलहाल मैं आपको आसपास दिखा देता हूँ कैसा मौसम है। सामने देखिए हिमालय से एकदम है, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम यहाँ से हिमालयन पीक एकदम व्यू जो क्लियर है। ये देखिए हिमालयन पीक दिख रहे हैं, यहाँ बर्फ आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है। ये दोनों यहाँ फोटो शूट पे लगे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं दोनों के दोनों। ये देखिए फुल फोटो शूट चल रहा है दोनों भाइयों का बर्फ के साथ और मंदिर के साथ। तो अब मैं भी थोड़ी बहुत फोटो खिंचा लेता हूँ, अगर आप मेरी फोटोज़ देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, मैं अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर दूँगा। तो दोस्तों जैसे आप मंदिर देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, और तो हमने मंदिर को पूरी तरीके से दिखा दिया, चारों तरफ से हमने मंदिर को आपको दिखा दिया किस तरीके का यहाँ से व्यू है क्या है, बस मंदिर आप अंदर नहीं देख सकते, उसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा। और आप कमेंट में जरूर बताइए आपको मंदिर कैसा लगा देखने में, और यहाँ बर्फ़ जो है उसको देख के आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप कुछ वीडियो के और एक दो सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए, और बाय बाय दोस्तों।